आज जलोली टोल पर हम अहम बैठक रखी गई थी एक किसानों के द्वारा, क्या उद्देश्य था, किस लिए रखी गई थी? इसमें सर दो तीन हमारी जो बातें थी, एक तो हमने अपना संगठन मजबूत करना है और मजबूत करना है, आंदोलन जैसे कि अब आप देख ही रहे हो 10-15 दिन से ढील दे रखी थी, हम विरोध भी नहीं कहीं पे कर रहे थे, काले झंडे भी नहीं मंत्रियों को दिखा रहे, प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। तो अब जैसे कि अब 5 मेंबरी कमेटी बनी है संयुक्त किसान मोर्चे की, और उसको लेकर लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा में खोट है, क्योंकि अभी तक कोई बात करने का संदेश जो है संयुक्त किसान मोर्चा के पास नहीं आया, जो 5 मेंबरी कमेटी है कोई फोन नहीं आया। तो हमें सरकार की सोच पे संदेह है, इसलिए जो है हमने अपने भाईचारे को जो है यहाँ पे बुला के आगाह किया है कि आंदोलन लंबा चल सकता है, और जब तक हमारा जो हमारी मांगे हैं, जो जैसे कि चाहे वो मुकदमे वापस लेने की मांग है या फिर मुआवजे की मांग है, या फिर जो हमारे NRI भाई हैं जिनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, MSP की जो कमेटी की और सरकार के साथ बात करने की जो बात है, जब तक ये हमारी मांगे माननी नहीं जाती तब तक हमारा जो आंदोलन है AGET ही रहेगा, और हम इसको और ज़्यादा तेज करेंगे। जो कानून है वो वापस ले लिए गए हैं, राज्यसभा लोकसभा में पास हो गए हैं, फिर भी विरोध क्यों आगे तक जारी रखा जा रहा है? क्या आगे आने वाले समय में सरकार सभी जो मांगे हैं उनमें से कुछ ना कुछ मांगेगी, और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं बात करने में? देखिए, सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक जो है उत्तर जवाब नहीं आ रहा है। उनको सरकार को जो मुकदमे हैं जो कि आंदोलन से पहले भी हैं, आंदोलन के दौरान के भी हैं, वो हुए तो आंदोलन के माध्यम से ही ना, अगर आंदोलन किया, प्रदर्शन किया। और दूसरी बात, इसमें जो सरकार ने तानाशाही दिखाई है, प्रदर्शन किसान बाद में करते थे, ये मुकदमा पहले दर्ज कर देते थे, और 307 से कम ये धारा नहीं लगाते, 120 भी देशद्रोह की पता नहीं कौन कौन सी धारा चक चक के लगा दी इन्होंने। अब अगर इन्होंने मजबूर किया किसान मजदूर को, हर वर्ग को प्रदर्शन करने में, और उन्होंने ज़बरदस्ती मुकदमे कर दिए, वो तो उनको वापस कौन लेगा? कभी ये कुछ बोलते हैं, कभी ये कुछ बोलते हैं। जब तक सरकार संतोषजनक जो है उत्तर नहीं देती, हमारी जो जथेबंदियां हैं, जो 5 मेंबरी कमेटी बनी है, उनके साथ कोई बैठ के अच्छी तरीके से बात नहीं करती, तब तक हम कैसे मान लें? अभी ये कहते हैं हम कदम वापस ले लेंगे, कभी कहते हैं हम नहीं लेंगे। और जो हमारे किसान भाई वहाँ दिल्ली में शहीद हुए हैं, हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग 80-80 साल के, वो भी तो सरकार की वजह से बैठे हैं ना वहाँ पे, उनको मुआवजा कौन देगा? सरकार ही देगी, सरकार की वजह से। सरकार का तो कहना है कि उनके पास कोई आंकड़ा ही नहीं है आज तक जो शहीद हुए हैं, तो ये आंकड़ा आप लोग कैसे उपलब्ध? सरकार तो ये भी कहती थी कि ये मुट्ठी भर किसान है, सरकार तो ये भी कहती थी कि ये नक्सलाइट है, ये खालिस्तानी है, अब फिर कानून वापस क्यों ले लिए? सरकार के पास आंकड़ा नहीं है, वो हमारी जो 5 मेंबरी कमेटी है उनको फोन करे, उनसे ले ले, वो दे देंगे। हमारे पास तो आप किसी से भी आंकड़ा ले लो, आप ये हमारे भाई साहब खड़े हैं जितने ना, इनसे पूछ लो कि दिल्ली में कितने किसान शहीद हो गए, ये आपको आंकड़ा दे देंगे। सरकार के पास आंकड़ा नहीं है। और दूसरी बात, हमारे पास भी CID वाले के भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं कि कहाँ कहाँ से जो है किसान शहीद हुए, हमारे पंचकूले के अंदर भी कल भी आ रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा किस भाई का फ़ोन आया था, कल भी आ रहा था कि हमें बताएं कि जो किसान जो है शहीद हुआ है उसका हमें डेटा दे, बताओ। सरकार तो बहुत कुछ कहती है, इसीलिए तो उनको बोलते, तभी तो यही तो एक कारण है सबसे बड़ा कि किसान इनकी बात पे तवार नहीं कर रहा, क्योंकि इनके पास झूठ की बुलंदे हैं, और तो कोई बात तो नहीं है।